चारों मंत्रीगण यहाँ पर बैठे हैं, उनका समय लीजिए, हमारे सभी माननीय विधायक और सांसदगण हैं उनका समय लीजिए, और यह जो पत्थर आज यहाँ पे लोकार्पण शिलान्यास के रूप में लगाया गया है, अगले 30 तारीख से पहले पहले, 31 जुलाई से पहले पहले यह सारे पत्थर जहाँ के लिए है वहाँ लग जाए, समय लेकर के वहाँ कार्यक्रम करिए और वहाँ जाकर के इसके बारे में बताइए, और इसकी रिपोर्ट मुझे चाहिए। मैं माननीय जनप्रतिनिधियों से भी निवेदन करता हूँ, माननीय मंत्रीगणों से भी निवेदन करता हूँ, कहीं कोई ढिलाई ले जाए तो आप अवगत कराइए, लापरवाही बर्दाश्त नहीं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज मंच से सपा कांग्रेस सहित समूह से विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। वो मुरादाबाद के लिए योजनाओं का लोकार्पण करने के लिए पहुंचे हुए थे, जहां पर मंच से ही उन्होंने पूर्व की सरकारों को आड़े हाथ लेते हुए भाजपा सरकार द्वारा किए गए कार्यों का लेखा जोखा पेश किया। दरअसल आज मुरादाबाद में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण करने के लिए पहुंचे हुए थे। उनका ये कार्यक्रम स्थानीय सर्किट हाउस परिसर में रखा गया था, जहां पर उप मुख्यमंत्री ने 363 योजनाओं का लोकार्पण मंच पर लगे बटन को दबाकर किया। इस अवसर पर प्रदेश सरकार के कई मंत्री और मुरादाबाद मंडल के समस्त भाजपा विधायक मौजूद थे। केशव प्रसाद मौर्य ने मंच संभालने के बाद पहले तो योजनाओं का पिटारा खोला और फिर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का नाम लेते हुए जमकर हमला बोला। वहीं बसपा सहित पूरे विपक्ष एक सिरे से भ्रष्टाचारी कहते हुए संबोधित किया और मंच से जनसंख्या कानून पर अपनी सरकार की नीति का समर्थन करते हुए कहा कि लोगों की भीड़ बढ़ रही है, इसलिए जो कानून लाने की प्रक्रिया शुरू की गई है वे आवश्यक है। प्रदेश में तो स्वागत हो ही रहा है, पूरे देश में स्वागत है। सर, जो विरोध कर रहा है उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे? सपा सांसद सपियों को रमान बर्क ने जनसंख्या कानून को उद्देश्य से टकराने वाला कानून बताया, बोले अगर देश पे हमला होता है तो रक्षा कैसे होगी फिर अगर ये लागू होगा? उसकी चिंता वो ना करें, 56 इंच के सीने वाले देश के माननीय प्रधानमंत्री जी पर देश को भरोसा है, पूरी भरोसा। सर, लखनऊ में अलकायदा के दो आतंकवादी पकड़े गए, लखनऊ में उस पर प्रदेश में क्या आया? लखनऊ में ATS ने दो टेररिस्ट पकड़े हैं अलकायदा के, क्या प्रतिक्रिया? ये तो उत्तर प्रदेश की पुलिस लगातार कर ही रही है, जो भी देश विरोधी शक्तियाँ उनको पकड़ रहे हैं, जो आपराधिक शक्तियाँ हैं उनको पकड़ रहे हैं, कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए बड़े से बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। तो जो भी पुलिस कर रही है, जिनको भी पकड़ा है उसकी जाँच होने दो, जो दोष उनके होंगे उसके हिसाब से उनको दंड देने का काम जो भारत के संविधान ने पुलिस को अधिकार दिया है, उस अधिकार का प्रयोग करते हैं। लोग कोई भी इस तरह से पत्रकारों के साथ कोई दुर्व्यवहार, कोई घटना हुई है उसके दो सर एक सवाल है सर, जब से जो है ये जनसंख्या कानून आया है, जब से जनसंख्या कानून की बातचीत चालू हुई है उत्तर प्रदेश के अंदर, लगातार विपक्षी जो है उसको घेरने की तैयारी कर रहे हैं। घेर ले कितना घेरना चाहे, किस तरह से 60 हमारा है, 40% में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा है सर, उत्तर प्रदेश सरकार इसके पक्ष में, मुसलमान भी इसके पक्ष में। क्या विपक्षियों को मनाने के लिए कुछ पहल करी जाएगी इसमें? हम मनाने के लिए पहल इसलिए नहीं करेंगे कि मनाने के लिए कोई इसका विषय नहीं कि ये कोई ऐसा विषय जिसका हम उनको मनाए कि बात जाओ देता है। सर, विरोध करना उनका लक्ष्य है, किसानों के विकास और ग्रामीण विकास में पिछड़ रही है। अगर अगर शब्द का प्रयोग नहीं करिए कि आती है आएगी ही, जनता का आशीर्वाद, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, लोगों से मैं इतना कहना चाहूँगा उनके नाम से। उत्तर प्रदेश सरकार का ग्रामीणों के लिए और किसानों के लिए जो विकास कार्य है उसका स्तर थोड़ा सा कम लग रहा है, उसके बारे में कहें। जितना खजाने में आता जाएगा वो आप पूरा का पूरा रिटर्न में जिनको हक मिलना चाहिए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें बिजली और सुविधाओं की अभी कमी चल रही है, कमी को दूर कर रहे लगातार। और आपने हमारे सरकार के कार्यकाल जो 4 साल से थोड़ा ज्यादा हुआ है और 15 साल हुआ भतीजे और उनके अखिलेश जी, उनके पिताजी और मायावती जी की सरकार का कार्यकाल देखेंगे, बहुत बड़ा अंतर नजर आएगा, बहुत सुधार हुआ है, हो रहा है और अच्छा सुधार करके देखेंगे। सर, ओवैसी और राजभर जो है वो लगातार जो है दौरे कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम जो है सबको योगी जी को रोक करके मानेंगे। 60 हमारा है।